नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे वो 41 मजदूर अब बाहर आने वाले हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि उत्तरकाशी में फंसे 41 मजदूर अपनी जिंदगी के लिए एक जद्दोजहद कर रहे थे, और इस बीच अब एक बड़ा रेस्क्यू चलाया जा रहा था। उसके बाद अब पूरी तरह से वो मजदूर बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि मजदूरों के लिए वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसकी वजह से मजदूरों को कोई दिक्कत ना। यहाँ पर उत्तरकाशी के टनल के पास अब सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है, और यहाँ पर सरकार पूरी तरह से मदद में लगी। आपको बता दें कि वहां पर एम्बुलेंस से लेकर सारी व्यवस्थाएं की गई। यहाँ पर एम्बुलेंस मौजूद हो गई है, यहाँ पर अब डॉक्टर्स की टीम मौजूद कर दी गई, और यहाँ पर एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। और कहा यह जा रहा है कि जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे तो सबसे पहले मजदूरों का जो प्राथमिक इलाज है वो कराया जाएगा, और उसके बाद ही उनको अन्य कामों के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पर आपको इस बीच बता दें कि जो उनके परिजन है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और अपने परिवार वालों को देखने के लिए यहाँ पर परिजन पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अब कुछ ही देर बाद यहाँ पर मजदूर बाहर निकल कर आए जाएंगे, और कुछ 2 मीटर की दूरी यहाँ पर बताई जा रही है कि 2 मीटर की जो मैनुअल ड्रिलिंग चल रही थी वो पूरी होने के बाद से ही यहाँ पर मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। इसके लिए ट्रेनिंग दी गई है कि मजदूरों को किस प्रकार से बाहर निकाला जाएगा। वहीं दर्शकों, आपको बता दें कि इस पूरी जानकारी के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाइव जुड़े हुए हैं, और लाइव देखने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से यहां पर काम चल रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता पुष्कर सिंह धामी वहां पर लगातार मौजूद हैं, और वहां पर मजदूरों से मिलने की बातचीत करने के लिए उतावले हो रहे हैं। और उनका कहना है कि जो भी अथक प्रयास किया जाएगा वो मजदूरों के लिए हम जरूर करेंगे, लेकिन मजदूरों को बाहर निकाल लेंगे। महज अब कुछ ही घंटों पर मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा और वह मजदूर चैन की सांस ले पाएंगे। आपको बता दें 12 तारीख का वो दिन था जब यहाँ पर सुरंग ढह गई और हमारे देश के 41 जाबाज मजदूर यहाँ पर फंस गए, और अब वो वक्त आने वाला है कि वो मजदूर बाहर निकल जाए। वहीं आपको बता दें कि इस बीच मजदूरों के इंतजाम किए गए, उनको खाना पहुँचाया गया, ऑक्सीजन की जो व्यवस्था थी उसको कराया गया। वहीं पर मजदूरों के लिए आज यहाँ पर बेड का इंतजाम किया जा रहा है, फोल्डिंग बेड यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है जैसे ही मजदूर इस पोर्टल से बाहर निकलेंगे, इस सुरंग से बाहर निकलेंगे, तो उनका प्राथमिक इलाज यहाँ पर कराया जाएगा। फिलहाल मजदूरों के लिए यहाँ पर देश के कोने कोने से प्रार्थनाएं हो रही हैं। देश के प्रधानमंत्री ने खुद हिदायत दी है कि आप सब प्रार्थना करें, दुआ करें कि देश के जो 41 मजदूर यहाँ पर फंसे हैं वो जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट ट्रेन आवाज। और अगर दर्शकों आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।